बैंकिंग सिस्टम को आसान बनाने के लिए एक और प्रस्ताव है, वो ये कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की ही तरह आप अपने अकाउंट को पोर्ट कर सके, यानी आप अपने अकाउंट का ट्रांसफर किसी भी दूसरे बैंक में करा सकेंगे। हालांकि अभी प्रस्ताव ही है, लेकिन ये सुविधा भी आपको जल्द मिल सकती है। बैंकिंग सिस्टम को आसान बनाने के लिए कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा जारी है। देश के सारे बैंक किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, लिहाजा सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिस तरह से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है, इसी तरह बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम भी हो, यानी बिना अकाउंट नंबर बदले आप चाहे तो आपको बैंक बदलने की छूट मिले। हालांकि इसके लिए जिस अकाउंट को पोर्ट किया जाना है उसका आधार से जुड़ा होना जरूरी होगा। हालांकि सिर्फ सेविंग अकाउंट की पोर्टेबिलिटी पर ही फिलहाल विचार किया जा रहा है, क्योंकि अकाउंट पोर्टेबिलिटी के तहत कई दूसरी समस्याएं भी आ सकती हैं। दरअसल अकाउंट पोर्टेबिलिटी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है खास अकाउंट की खास पहचान। फिलहाल बैंक किसी खास अकाउंट की पहचान के लिए उनके नंबर और IFSC कोड का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट पोर्टेबिलिटी के लिए आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यानी APBS की जरूरत होगी। APBS के तहत ही सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है। जाहिर है बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए कई कदम उठाने पर विचार चल रहा है, जिसमें अकाउंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम भी एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नोटबंदी के बाद के एक और बैंकिंग रिफॉर्म के तहत ये एक और कदम है, एक प्रयास है जिसकी तरफ कदम बढ़ाने की सोची जा रही है। असीम और केतन मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ दिल्ली और अहमदाबाद से लगातार हैं, उनके साथ तमाम लोग भी हैं। असीम, जैसा कि अभी सुना आपने, लोगों की राय उस पर जानना चाहेंगे कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जिसके तहत आप अपना नंबर दूसरे किसी भी सर्वर के साथ आप पोर्ट कर सकते हैं, कोई दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ, वैसे ही फैसिलिटी आने वाले समय में अगर लोगों को अपने अकाउंट में भी मिल पाए जो कि सिर्फ सेविंग अकाउंट में है, तो क्या वाकई वो उसके लिए तैयार है? देखिए, रिजर्व बैंक जो है काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर विचार कर रहा है कि बैंक की जो है बैंक अकाउंट की पोर्टेबिलिटी जो है वो दी जाए, तो उसके ऊपर अभी काफ़ी काम हो चुका है। और आधार बेस अगर एक बार अकाउंट हो जाएगा तो उसके बाद आसानी से अकाउंट को आप दूसरे किसी उसमें पोर्ट कर सकते हैं। लोग हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। आपको लगता है अगर अकाउंट की पोर्टेबिलिटी आती है, यानी कि आप अपना SBI में आपका अकाउंट है, आप उसको PNB में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको लगता है उससे फ़ायदा होगा? अभी तो जी फ़ायदा होगा, और फ़ायदे के लिए तो अभी जैसे आप अपना ATM नंबर आपको मिलता था बैंक की तरफ से, अभी आप अपनी मर्जी का ATM नंबर ले सकते हैं। अगर आपको 0786 या 3570 लेना है तो वो आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि जैसे हमारे गांव है, देहात है, वहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं और बैंकें कम हैं, कहीं एक बैंक है, कहीं एक भी बैंक नहीं है, तो वो लोग शहर में आए या शहर के लोग गाँव में जाएँ तो अपने ATM से तो पैसे निकलते ही हैं, वो अपने आधार कार्ड से भी पैसा निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा और बहुत अच्छी है। बैंक अगर आपको पोर्ट करने का मौका मिले, आपको आप अगर SBI के कस्टमर हैं, आपको किसी और बैंक में जाना चाहे तो आप करना पसंद करेंगे? नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा करेंगे, मगर ये है कि फिलहाल बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। आपको लगता है पोर्टिंग की जरूरत है, आप बैंक अकाउंट पोर्ट करना पसंद करेंगे अपना? बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये, देश में ये सेवा बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए। अभी लोगों ने बहुत सारी तकलीफें झेली हैं, जब नोटबंदी शुरू से हुई है इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, अपने एक्सिस बैंक से खुद अकाउंट से अपने बैंक से निकालने के लिए इतनी लंबे लंबे वेट करने पड़ते थे, 1 घंटे 2-2 घंटे। अब बैंक ने ये सुविधा निकाली है तो बहुत अच्छी बात है, पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं हम किसी भी अकाउंट से, अपने किसी भी दूसरे बैंक के जाके कहीं भी इजीली पॉइंट ऑफ सेल से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी सुविधा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया काम है, जो है बहुत फ़ायदा है इससे। तो ठीक है, काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर पोर्टेबिलिटी आती है अकाउंट की तो वो उससे पोर्टेबिलिटी जो है वो यूज़ करना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उनको लगता है कि किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना पैसा अगर एक्सेस करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड बैंकिंग करना चाहते हैं, तो उनसे उनको काफ़ी फ़ायदा जो है आने वाले दिनों में होगा। तो दिल्ली के लोग तो इसको काफ़ी ज़्यादा हाथों हाथ ले रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद के लोगों का इस पर क्या विचार है, बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी के लिए तैयार है वो? केतन आएगा तो इसके बाद करा। बिल्कुल राय जानते हैं अहमदाबाद के लोगों की। हमें ये बताइए कि अगर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तर्ज पर आपकी बैंक पोर्टेबिलिटी भी हो जाए तो इस कदम को आप किस तरह से देखेंगे? बहुत ही अच्छा कदम है ये। अभी मैं इसमें दो चीज़ें हो सकती है, पहली चीज़ के एक तो डॉक्यूमेंट का प्रोसीजरल टाइम है वो कस्टमर्स का बच जाएगा, दूसरी साइड पे ये होगा कि बैंक को अपनी सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज वो भी बहुत ही एक्यूरेट और कॉन्शियस रखनी पड़ेगी, अदरवाइज कस्टमर जा सकता है। तो दोनों तरीक़ों से बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप बताइए, आप इस पर क्या कहेंगे, अगर आपको एक बैंक पसंद नहीं है जहाँ एग्जिस्टिंग अकाउंट है आपका, तो दूसरी बैंक में अगर जाने का मौका मिले सेम अकाउंट के साथ जैसे MNP में होता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मैं तो चाहूँगा कि ऐसा हो,
ताकि हर एक बैंक को अपने कस्टमर्स के बारे में पहले सोचना होगा कि अगर उसे लगना चाहिए कि अगर मैं प्रॉपर सर्विस नहीं दूंगे तो वो कस्टमर चला जाएगा, तो एक अच्छा सा हेल्दी एनवायरनमेंट कंपटीशन क्रिएट होगी बैंकों के बीच में और कस्टमर को तो फायदा ही फायदा होगा इससे। जी देखिए, ये भले ही प्रस्तावित कदम होगा केंद्र सरकार का, लेकिन लोगों ने बहुत ही सराहा है, खासकर अहमदाबाद के लोग इसका काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो बैंक अपनी मनमानी भी नहीं करेगी और जो सर्विस है वो काफ़ी बेहतर होने की संभावना है। तो यहाँ के लोग काफ़ी खुश है इन दो जो बड़े बदलाव होने की संभावना है इस पर। वाकई, तो खासतौर पर दिल्ली और अहमदाबाद के लोगों की जो हमने राय जानी है तो उसके तहत जो सरकार कदम उठाने के लिए तैयार है और मुंबई के लोगों का भी मानना है कि बैंकिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम को और बढ़ावा देने के लिए, उसके तहत और काम करने के लिए जो आने वाले बजट में प्रस्ताव पास हो सकते हैं, यानी किसी भी बैंक से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, छूट हो सकती है आपके लिए, और आने वाले टाइम में बैंकिंग सिस्टम और जो कि आपका बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोनों ही प्रस्तावों को तमाम जो लोग हैं वहाँ पर उन्होंने थम्स अप दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम और केतन हम तक लोगों की राय पहुँचाने के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।